अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एम एस से तालीम में एक मरतबा फिर से वेलकम करता हूँ और एक रिक्वेस्ट भी साथ में ये करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल के अंदर मौजूद, मतलब जो लास्ट शेल होता है उसे नाम दिया जाता है वैलेंस शेल। और एक चीज़ होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है वैलेंस शेल की। और कौन कौन से वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है? हमें एस ब्लॉक एलिमेंट की करनी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एस ब्लॉक लेफ्ट कॉर्नर पे, बिल्कुल राइट कॉर्नर पे है पी ब्लॉक, सेंटर में हमारे पास है डी ब्लॉक और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज उसका ताल्लुक है एफ ब्लॉक एलिमेंट से। ये टॉपिक है हाइड्राइड्स के नाम से, मैंने उसके अंदर पीरियोडिक टेबल की काफ़ी सारी उसमें डिटेल दे रखी है तो वहाँ से भी आप थोड़ी बहुत गाइडेंस ले सकते हैं। एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप्स कौन कौन से आते हैं? एस ब्लॉक के अंदर आता है ग्रुप 1A, एस ब्लॉक के अंदर आता है ग्रुप 2A। ग्रुप 1A और 2A इसका ताल्लुक होता है एस ब्लॉक से। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही होती है एस ऑर्बिटल के ऊपर, इस वजह से इसे नाम दिया जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। हाली ना कर रब से फरियाद, हाली ना कर रब से फरियाद, ये ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 19 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, 1s1 यहाँ पे क्या आएगा, 1s2 2s1 यहाँ क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1 बाकी की नहीं कर रहा। इन तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको कुछ एक सिमिलर चीज़ नज़र आ रही है, मैं बताता हूँ आपको आपको क्या चीज़ इसमें सिमिलर नज़र आ रही है। यहाँ भी S1 है, यहाँ भी S1 है, यहाँ भी S1 है, इन तीन चीज़ों के अंदर क्या चीज़ चेंज होती हुई आपको नज़र आ रही है? S1 सर, S1 कॉमन है, यहाँ पे तीनों चीज़ों के अंदर S1 कॉमन है, चेंज क्या चीज़ हो रही है? यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ NS1, ग्रुप 1A का कोई भी एलिमेंट हो उसके एस ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिर्फ क्या चीज़ चेंज होगी? इसका कोफिशेंट, और कोफिशेंट को यहाँ से मतलब नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एन से। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1A क्या हुई? NS1। बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर जो दूसरा ग्रुप होता है ग्रुप 2A, उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी NS2। इसके बाद आ जाते हैं पी ब्लॉक की तरफ, इसके बाद हम आ गए पी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ। पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें ग्रुप 3A आ जाता है, 4A है, 5A है, 6A है, 7 है और उसके बाद 8। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 3A 4A 5A, इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 6A 7A और 8A का इसको नाम दिया जाता है। देखिए किस तरह से हम करेंगे कैसे इसको। पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अगर हम 3A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले S को फिल करना पड़ेगा, NS2 NP1, दो इलेक्ट्रॉन S में आ गए, एक इलेक्ट्रॉन P के अंदर आ गया, NS2 NP1। इसी तरह से फोर्थ ग्रुप की क्या होगी? NS2 NP2। सिर्फ P के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाएं, NS2 NP3। जी बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS2 NP4 NS2 NP5 NS2
NP6. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने किस चीज़ की लिख ली, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिखी है पी ब्लॉक एलिमेंट की। पेपर के अंदर सवाल आता है राइट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की। इसके बाद हम आएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर कि डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से की जाती है। चले वो भी स्टार्ट कर लेते हैं, पहले हमें ये मिटाना पड़ेगा इसको। अच्छा भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? इसके अंदर आता है हमारे पास सेरेफेरिस ग्रुप नंबर 1B, इसके बाद आएगा ग्रुप नंबर 2B, 3B, 4B, 5B, इसके बाद आ जाते हैं 6B पर, इसके बाद 7B और यहाँ पर 8B। 8B के अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो वो तीन कॉलम की सूरत में यहाँ पर आते हैं। देखें इसको करेंगे किस तरह से, इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 N-1 D1, इस तरह से आगाज़ करेंगे इसका, NS2 N-1 D1। और इसमें आपको मैं एक और शॉर्ट ट्रिक देता चलूं, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपने इसमें स्टार्ट करना है 3B से। कहाँ से स्टार्ट करना है, एक शॉर्ट ट्रिक लेते चलें इसमें। देखें भाई, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, और ये आखिर में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आ गई। यहाँ पर हमारे पास मौजूद होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक पी ब्लॉक है, और ये आखिर में क्या है एफ ब्लॉक। यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, लिथियम, इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है हमारे पास ग्रुप 3B। ग्रुप 3B से एक रास्ता आगे की तरफ निकलता है जो कि कहाँ जाता है एफ ब्लॉक की तरफ। ग्रुप 1A के बाद आता है 2A के बाद आएगा हमारे पास क्या 3B। तो 3B तक पहुंचने के लिए हमें पहले इन दो चीज़ों को क्रॉस करना पड़ेगा, हमें क्रॉस करना पड़ेगा ग्रुप 1A का रास्ता होता है NS1। ग्रुप 2A तक का रास्ता क्या होगा, ग्रुप 2A का रास्ता होगा NS2। NS2 के बाद हम यहाँ से कहाँ चले जाएंगे D के अंदर, तो उसका मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, स्टार्ट आपने लेना होगा 3B से। इसको ऐसे फिल करेंगे NS2 N-1 D1। S और D के इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पर तीन इलेक्ट्रॉन्स बनने चाहिए, अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं तो इसका मतलब ग्रुप 3B से इसका ताल्लुक है। चलें आगे बढ़ते हैं, NS2 N-1 D2, NS2 N-1 D3। ये वैलेंस चल देखें, यहाँ 3 से स्टार्ट किया, हम क्या चीज़ चेंज कर रहे हैं, सिर्फ डी में 1, 2, 3 इस तरह से चलते चले जाएंगे NS2 N-1 D4, NS2 N-1 D5, NS2 N-1 D5 के बाद आया हमारे पास D6, यहाँ D7 और D8। भाई यहाँ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से। इसके बाद आप आओगे 1 पे, NS2 N-1 D9, NS2 N-1 और D10। यहाँ पर अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है, लेकिन इसमें दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हैं जो बड़ी स्पेशल हैं, जिसे अभी हमें सही करना पड़ेगा, और उससे हम अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज़ रूल उसको सही करेंगे। हर्ट्ज रूल हमें यह बताता है कि डी ऑर्बिटल या एलिमेंट उस वक्त स्टेबल होगा जब उसका डी ऑर्बिटल या तो हाफ फिल हो या कम्प्लीटली फिल हुआ हुआ हो। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा डी के पास, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स डी में हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारे पास एस में हो गया। एक स्पेशल केस हमारे पास और है, और वो ये वाला केस है NS2 N-1 D4। डी उस वक्त स्टेबल होगा या तो ये हाफ फिल हो या फिर कंप्लीटली फिल हुआ हो, तो इसको हाफ फिल करने के लिए एस कुर्बानी देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन कहां भेज देगा डी के अंदर NS1 N-1 D5। देखें ये बड़े स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है, और इसी के साथ साथ
ग्रुप वन बी, ये दो बड़े ही स्पेशल केस हैं। हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझी, एस की, पी की, डी की। अब लास्ट है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पे बच्चों को एक चीज़ ये समझाता चलूँ कि ये जो लिखा हुआ है ns1 या ns2 n-1, ये n-1 क्यों आ रहा है? ये n-1 इसलिए आ रहा है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कहीं लिखा हुआ है 5s, तो इसके बाद आने वाला जो d होगा, देखें s का कोफिशियंट क्या है, s का कोफिशियंट है 5, d का जो कोफिशियंट होगा वो 5 से 1 लेस होगा, तो 4d लिखा जाएगा। अगर कहीं पे 7s है तो इसके बाद D का जो आपके पास कोफिशियंट होगा वो 7 में से 1 लेस होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6D। अगर कहीं हमारे पास 6S लिखा हुआ है तो इसके बाद जो D आएगा उसका कोफिशियंट होगा 5D। मतलब अगर मैं इसे N मान रहा हूँ तो ये जो D है ये N माइनस 1 होगा, इस वजह से यहाँ पर हमने ये चीज़ लिखी है। तो ये चीज़ बच्चों को आमतौर पर मसला करती है। अब लास्ट है हमारे पास F ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो देखते हैं कि किस तरह से होगी एफ ब्लॉक एलिमेंट की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एन एस टू एन माइनस वन डी वन, एन माइनस टू एफ वन से लेकर 14। हमारे पास इसके अंदर 14 एलिमेंट्स मौजूद हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। एन एस टू एन माइनस वन डी वन, एन माइनस टू एफ वन से लेकर 14। ये जो चीज़ हमने लिखी है, देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर, अभी जो मैं आपको बता रहा था कि एफ ब्लॉक तक पहुंचने के लिए हमें क्रॉस करना पड़ेगा 1A को, फिर 2A को, उसके बाद 3B को। तो 3B तक का फासला क्या है, 3B तक का एड्रेस क्या है, 3B का एड्रेस है ये रहा हमारे पास ns2n-1d1। ये हमारे पास एड्रेस कहाँ से कहाँ तक का है, ये 3b तक का। 3b के आगे हम जा रहे हैं f ब्लॉक पे, तो f ब्लॉक ये n-2 लिखा हुआ है। अगर s का कोफिशियंट 7 हुआ तो d का कोफिशियंट 6 होगा और f का कितना होगा 5। यहाँ पर हमारे पास s का कोफिशियंट अगर होता है 7 तो d का कोफिशियंट होगा 6 और f का कोफिशियंट उसके मुकाबले में 2 लेस, 7 यहाँ 6 यहाँ पे आएगा 5। तो इस तरह से आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।